हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा राहतर उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे खैरियत से होंगे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं गई थी अपने वेजिटेबल गार्डन में बहुत दिनों के बाद और ये वीलाग भी बहुत दिनों के बाद अपलोड हो रहा है बिकॉज ऑफ़ सम रीजंस आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आई वॉज काइंड ऑफ बिजी विद माई स्कूल वर्क एंड ऑल दैट सो लेट मी टेल यू कि मैं पोमोग्रेनेट्स उतार रही थी पेड़ से अभी कुछ कुछ अभी बाकी थे जो मम्मी ने मुझसे कहा कि आप इनको उतार लो तब तक मम्मा कुछ और काम कर रही थी और वैसे मैं बता दूँ पोमोग्रेनेट्स सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये कैलोरीज़ में बहुत लो होते हैं और इन बहुत कम फैट होता है लेकिन ये फाइबर इनमें बहुत अच्छा खासा होता है विटामिन एंड मिनरल्स इसमें बहुत होते हैं आप जो है पोमोग्रेनेट खाया करें क्योंकि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड इट आल्सो इंक्लूड द एंटीऑक्सीडेंट तो वैसे मुझे पोमोग्रेनेट्स बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत रसदार होते हैं और मुझे रसदार फ्रूट बहुत पसंद है और ये मम्मी कुछ ये काटते हुए क्योंकि अब इस सब्जी का मौसम नहीं रहा है क्योंकि अब इन पे जो मधुमक्खियां हैं या और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं वो इनको ख़राब कर देते हैं इस वाले मौसम में जो कि अक्टूबर का मौसम होता है क्योंकि अब ठंड शुरू होने लगी है तो ये वाली सब्ज़ी ठंड में नहीं रहती है और यह हार्वेस्टिंग मौसम होता है बहुत ज़्यादा जो सब्जियाँ हैं वो अब ख़त्म हो जाती हैं इस वाले मौसम में उनके लिए जो प्रोफेशनल तरीके से ये काम नहीं करते हैं लेकिन जिनका प्रोफेशनल होता है वो ग्रीन हाउस वग़ैरह उन सब वो सब बना के उसमें रखते हैं सब्ज़ियाँ विंटर में भी लेकिन वो हम नहीं करते हैं क्योंकि हम सब्ज़ियाँ अपने लिए उगाते हैं इसमें कोई प्रोफेशनल तौर पे हम नहीं करते हैं तो अनार उतारते वक्त पेड़ से आप बहुत ख़्याल रखें क्योंकि इनमें कांटे जैसे होते हैं जो चुभने का बहुत ख़तरा रहता है और जब हम पेट के अंदर थोड़ा चले जाते हैं तो आँखों पे चेहरे पे ये ज़रूर लग जाते हैं तो जिनसे ख़तरा होता है तो मेरी मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि ख़ुद का ख्याल रखो ख़ुद का ख्याल रखो ये मैंने कुछ जमा कर लिए थे और चूँकि इस मौसम में सब्ज़ियाँ ख़त्म होने को होती है तो ये कुछ मेरी मम्मी ने साइड साइड से कुछ पौधे बचा लिए हैं ये टमेटो का है टमाटर तो आपको तो पता ही टमाटर हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है तो इसको मेरी मम्मी ने बचा के रखा है और ये है शलजम ये हमने रखा है विंटर के लिए क्योंकि हमारे घर में एक गाय भी है तो विंटर में चूँकि सब्ज़ घास ज़्यादा नहीं रहती है तो विंटर में उसके खाने के काम ये आता है ये हाल ही हाल में हमने बोया था और अभी अच्छा हुआ लेकिन अभी शलजम जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है तो वैसे आपको बता दें कि ये जो टर्निप्स है ये भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और ये वेट लॉस और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको मैं बता दूं कि जो आ, ये है ना कि इनको बोलते हैं टर्निप्स को बोलते हैं सुपर फूड तो सुपर फूड क्यों बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये है गाजर के प्लांट्स और ये भी हमारे घर में हैं और लेकिन अब ये तैयार नहीं हुए हैं ये भी दस पंद्रह दिनों के बाद लगभग तैयार हो जाएंगे अब मैं आपको बताऊंगी कि अचार जो कश्मीर में हम बनाते हैं हाक अचार यथवान जो हाक मुंझा अचार तो वो यही है ये देख लीजिए आप ये साग है और इसको जो है ना बहुत टाइम तक ऐसे ही रखते हैं इसे इसकी जो लीव्स वगैरह है वो नहीं काटते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है जब ये हार्ड हो जाता है फिर ये अचार के लिए बहुत अच्छा रहता है देख के ये इतना बड़ा होता है और ये सब्ज़ी आज के किसी काम की नहीं है तो इन सब को हमने हटाया और बाद में ये जो टर्निप्स है ये किसी किसी जगह पे इसके जो सीड्स हैं वो नहीं लगे थे फिर जहाँ पे गने ये जो शलजम थे वो थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से निकाल के हमने यहाँ साइड में लगाए क्योंकि ये भी फिर बाद में अच्छी हो जाती है इनमें लेकिन पानी थोड़ा पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत रहती है लेकिन बाद में ये भी ओके ठीक हो जाता है और ये मैंने काम कर लिया क्योंकि मन मम्मी ने कहा कि आप ये काम कर लो पहले और ये देखिए ये ऐसा हुआ था फिर ये खाली रह गया था ये वाला पोर्शन तो मैंने इसको ऐसे फिल कर लिया अभी हमारे बाग में कुछ कुछ भुट्टे बचे हैं वैसे भुट्टों का मौसम भी अब ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट अभी हमने उतार लिए हैं भुट्टे वगैरह सब तो फिर ये है मिर्चे और अभी ये ज़्यादा तैयार नहीं हुए हैं अभी इनका हार्वेस्ट हमने नहीं किया है तो वो व्लॉग भी मैं डालूँगी जब हम इनको पूरा जमा करेंगे और ये मैंने खुद से किया था आप देखिए ये कामयाब हो गया है और दूसरा वाला ख़राब हो गया इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये बाद में मैं चेक करते हुए कि इनमें ये तैयार हुआ है कि नहीं तो ये तैयार नहीं हुए थे तो फिर मैंने इनको तो भी काट लिया क्योंकि क्या करें <laughs> मुझे काटने का मन हुआ इसको तो मैंने इसको काट लिया वहाँ से हाँ तो फिर देखा देखे ये तैयार हो चुका था तो फिर मैंने इसको तोड़ लिया बाद में हमें घर जाना था तो मम्मी ने कहा चलो थोड़ा सा घर ले जाते हैं तो मम्मी ने कहा आप कर लो ये काम मैंने कहा नहीं मम्मा आप कर लीजिए ताकि मैं इसका थोड़ा सा वीडियो बनाऊं तो आई लव माई मम्मा सो मच सो सपोर्टिव सो यानी कि कोई माँ जो है ना बहुत आ, हम नहीं कहेंगे कुछ माएँ ऐसे वैसी होती हैं लेकिन आ, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है मुझे बहुत सपोर्ट करती है और बाद में मेरी वीडियोज़ भी चेक करती है कि मैंने क्या बनाया कहीं मैंने फेस वगैरह तो नहीं दिखाया वो तो नहीं किया ये कि तो ये सब मेरी मम्मा चेक करती रहती है लेकिन बाद में कहती अच्छा बन गया था तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और आप क्या चाहते हैं कि और क्या डालूँ मैं अपनी वीडियोज़ पर वो भी ज़रूर करें चले इसी के साथ